मैं डॉक्टर इस्लाम मोहम्मद तवा, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारी संघ। आज हमारी जो ज्ञापन दिया गया सीएमओ साहब को, बहुत सारी विगत वर्षों से हमारी डिमांड चली आ रही है, 7 सूत्री मांग। इसमें तो पहले नंबर पे था नियमितीकरण के लिए, जिसको भारत सरकार ने 2011 में निकल दिया था स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन उसका फ़ायदा भी सिर्फ 2 कैडर को ही मिल पाया है, स्टाफ ने एनएम को, लेकिन बाकी कैडर को भी रोक रखा हुआ है, रोक रखी है। इसी तरह दूसरा है वेतन विसंगति को लेकर, बहुत दिनों से मामला चल रहा है। 2016 से भारत सरकार ने इसके लिए बजट की व्यवस्था रखी हुई है, और साथ में जो है इसके कहा है कि अगर कोई दिक्कत आती है करने में तो हमसे मदद दे सकते हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, जिसको लेकर बहुत रोष था। उसके अलावा हमारे आउटसोर्सिंग की नीति है, जो पेमेंट फुल आता है इसमें ठेकेदार मौज करता है और कर्मचारियों को कम वेतन उसमें मिल पाता है, और आउटसोर्सिंग नीति को खत्म होना चाहिए। इसके साथ में हमारी जो बीमा पॉलिसी है, यानी हम बीमार स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बाद भी अगर हम बीमार हो जाते हैं उसके बाद भी हम कोई किसी तरह का हमको अधिकार नहीं है कि हमको फ्री इलाज भी हो पाए हमारा। इसके लिए हमको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे साथ में कोई हादसा हो जाता है, उसके पीछे जो हमारी फैमिली छोड़ती है उसके कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर पहले भी भारत सरकार से पैसा भी आ चुका है, इसके लिए नियम नहीं बन पा रहा है, नियमावली नहीं बन पा रही, इसके लिए हम सीएमओ साहब से किस तरह का आश्वासन मिला? सीएमओ साहब ने कहा कि हम आपकी बातों को जो ऊपर अधिकारी तक पहुँचाएंगे, और आगे ताकि हमारी बातें आगे सुनी जाएंगी।